मैं पायल, वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और हम आप तक रोज नई नई खबरें पहुंचा सके। बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें प्यार के लिए पापड़ बेलने पड़े। किसी ने शादी के लिए अपना धर्म बदला तो किसी को पेरेंट्स को मनाने में कई साल लग गए। तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में बताते हैं जिनके धर्म एक दूसरे से अलग थे, फिर वह लोग आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर एक, शाहरुख खान और गौरी छिब्बा। अगर बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल का खिताब किसी को दिया जाना चाहिए तो इस खिताब के लिए शाहरुख खान और गौरी खान से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। दोनों का धर्म अलग था। शाहरुख मुस्लिम और गौरी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी। शाहरुख और गौरी तो अपने प्यार को शादी में बदलने के लिए तैयार थे, मगर दोनों के धर्म अलग होने की वजह से इनके घर वालों को कड़ी आपत्ति थी। शाहरुख ने गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेले और उन्हें मनाने में आखिरकार कामयाब हो गए। 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। बाद में इन दोनों का निकाह भी हुआ जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदी रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों की शादी हुई। नंबर दो, आमिर खान और किरण राव। आमिर खान और किरण राव का धर्म भी अलग था। किरण राव से मुलाकात पर एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया था कि फिल्म लगान के दौरान किरण बस मेरी टीम की सदस्य थी, तब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी। रीना से तलाक के बाद मैं किरण से मिला, वो उस वक्त मेरी अच्छी दोस्त भी नहीं थी। तलाक के बाद मैं ट्रामा से गुजर रहा था। इसी बीच एक दिन किरण का फोन आया। किरण से करीब मैंने आधे घंटे बात की। उससे बात करके मुझे अच्छा लग रहा था। उस कॉल के बाद हमने एक दूसरे को डेट करने का फैसला किया। लंबे समय की दोस्ती के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि उसके बिना मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। बस फिर क्या था, हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया और फिर साल 2005 में हमने शादी कर ली। नंबर तीन, सैफ अली खान और करीना कपूर। करीना कपूर और सैफ अली खान भी अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। करीना से पहले सैफ ने 1991 में अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों अपने घर वालों के रिएक्शन से डरे हुए थे, इसलिए दोनों ने छिपकर शादी की थी। 13 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद अमृता और सैफ 2004 में अलग हो गए। सैफ और अमृता के सारा और इब्राहिम नाम के दो बच्चे हैं। वहीं करीना और सैफ का एक बेटा है जिसका नाम तैमूर है। नंबर चार, जेनिलिया डिसूजा और रितेश देशमुख। रितेश और जेनिलिया पहली बार 2002 में अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम की शूटिंग के लिए मिले थे। हैदराबाद में शूटिंग खत्म होने के बाद जब रितेश घर लौट आए तो उन्हें जेनिलिया की कमी खलने लगी, वो उन्हें मिस करने लगे। उधर जेनिलिया भी रितेश की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुकी थी। आखिरकार 3 फरवरी 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी से पहले एक दूसरे को 10 साल तक डेट करते रहे। जेनिलिया क्रिश्चियन थी जबकि रितेश महाराष्ट्रियन। दोनों ने चर्च और महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से शादी की थी। नंबर पाँच, अमृता अरोड़ा और शकील लद्दाख। फिल्म एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की छोटी बहन अमृता अरोड़ा फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद शादी के बंधन में बंध गई। उन्होंने मुंबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी रेड स्टोन ग्रुप के मालिक और बिजनेसमैन शकील लद्दाख से शादी की। दोनों के धर्म अलग थे। अमृता पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है जबकि शकील मुस्लिम परिवार से। हालांकि दोनों ने शादी क्रिश्चियन धर्म से की थी।